हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपी लीगल ज्ञान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा पावर ऑफ बोर्ड। मैं आपको लेक्चर नंबर 1 का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दूँ तो हमने यूनिट नंबर 2 शुरू किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। यूनिट नंबर 2 में मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया था, शुरुआत करी थी कि सेक्शन नंबर 173, 174 और 175। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारे मेथडोलॉजी डिस्कस किया। मैंने बोला था कि यूनिट 2 का सेक्शन कहाँ से जाके कहाँ तक खत्म होता है। मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन का सेक्शंस की मैंने पार्टिसिपेशन भी कराया था। मैंने बोला था कि सेक्शन 173 से लेकर अपने को यूनिट 2 में पढ़ना है सेक्शन नंबर 195 तक। फिर मैंने सेक्शन के पार्टिसिपेशन भी बताया आपको कि सेक्शन 173 क्या कहता है, 174 क्या कहता है, 175 क्या कहता है, एस वन, ऐसे करके हम सेक्शन नंबर 195 तक गए थे। उसके बाद मैंने सबको सेक्शन 173 बताया, जिसमें मैंने आपको बताया बोर्ड मीटिंग के बारे में, प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग के बारे में, जिसमें मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताया। मैंने आपको पांच ट्रांजेक्शन के बारे में बताया जिसको आप वर्चुअल मोड के थ्रू नहीं करोगे, जब भी करोगे तो फिजिकल मीटिंग में करोगे। उसके अलावा बोर्ड मीटिंग के बारे में बहुत सारी डिटेल एनालिसिस मैंने 173 में किया था। सेक्शन नंबर 174 में आते आते मैंने आपको कोरम के बारे में डिस्कस किया था कि मिनिमम कितने डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आ गया था सेक्शन नंबर 175 पे। सेक्शन 175 में मैंने आपको बोला था रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जिसमें डायरेक्टर अपने घर पे रहता है और उसको ड्राफ्ट लेटर प्रपोज कर दिया जाता है और वो घर बैठे ही उसमें यस या नो कंसेंट अपना दे देता है। पार्ट 1 में हमने केवल इतना ही किया था। आज जो मैं लेक्चर यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ वो लेक्चर आपका पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपके साथ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका है पावर ऑफ बोर्ड। टॉपिक का नाम क्या है, पावर ऑफ बोर्ड। पावर ऑफ बोर्ड टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सेक्शन का अरेंजमेंट दे देता हूं कि ये जो टॉपिक है इसमें कितने सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। जब भी आपको पावर ऑफ बोर्ड के बारे में जानने की जरूरत हो इसको आप टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे पहले पार्ट में आप समझने की कोशिश करिएगा सेक्शन नंबर 179, जिसमें बोर्ड के जनरल पावर्स के बारे में डिस्कशन की गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर ऑफ बोर्ड में सेक्शन नंबर 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जनरल पावर की बात करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 180 जो बोर्ड के पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बोर्ड की पावर का हेडिंग है उसमें सेक्शन नंबर 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जनरल पावर की बात करता है। सेक्शन नंबर 180 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 179 में मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन की लिस्ट बताऊंगा। मैं बोलूंगा सेक्शन 179 में जितनी भी ट्रांजेक्शन की लिस्ट दी गई है ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने वाला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन सेक्शन 180 में जितने भी ट्रांजेक्शन दी गई है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को कैरी करने वाला होता है मेंबर्स, क्योंकि सेक्शन 179 जनरल पावर बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, लेकिन सेक्शन 180 उस पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। डायरेक्टर के पावर को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या, उस पावर को एक्सरसाइज करने वाला कौन होगा, बोलो, मेंबर। उसके बाद मैं कुछ अदर पावर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सेक्शन 179 जनरल की डिस्कशन कर रहा था, सेक्शन 180 बोर्ड के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। उसके बाद कुछ अदर प्रोविजन है जो पावर ऑफ बोर्ड में ही पढ़ा जाता है, सेक्शन नंबर 181, सेक्शन नंबर 182, सेक्शन नंबर 183। मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि सेक्शन नंबर 181 चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन की बात करता है, सेक्शन नंबर 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करता है और सेक्शन नंबर 183 डिफेंस कंट्रीब्यूशन की बात करता है। मतलब क्या कि पावर ऑफ बोर्ड में अपने को सेक्शन 179 से शुरुआत करनी है, सेक्शन नंबर 183 में जाना है। सेक्शन नंबर 179 से 183 ब्लैंकेट सेक्शन का ही हेडिंग है पावर ऑफ बोर्ड। सेक्शन 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जनरल पावर की बात करेगा, सेक्शन 180 उस पावर को रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब क्या, शेयर होल्डर इसको एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन 181 में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 182 में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 183 में डिफेंस कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या कि चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन भी बोर्ड कर सकता है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी बोर्ड कर सकता है, डिफेंस कंट्रीब्यूशन भी बोर्ड कर सकता है। मैं अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन में आपके सामने ये रहा तिरुपति बालाजी मंदिर का वेबसाइट। जब आप तिरुपति बालाजी मंदिर का वेबसाइट देखोगे तो इसमें आते आते आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा, जस्ट अ वेट, यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन डोनेशन, ऑनलाइन सर्विसेज दिखेंगी, ये रहा ऑनलाइन सर्विसेज में आपको यहाँ पे डोनेशन का दिखेगा। डोनेशन पे आप क्लिक करोगे सो आपको डोनेशन का एक नया पोर्टल खुलेगा और इस डोनेशन में आप यहाँ पे बहुत सारी दी गई हैं, यहाँ पे स्पेशल एंट्री दर्शन वगैरह करना है, ऐसे करके हुंडी जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में करते हो, हुंडीज
वो भी आप साइन कर सकते हो. हुंडीज अगर आपको साइन करना होता है तो देखो ये सामने लिखा है टुवर्ड्स टीटीडी सिवारी हुंडी तिरुमाला. डोनेशन पे क्लिक करना है अपने को. डोनेशन पे क्लिक करके ट्रस्ट डोनेशन पे क्लिक करना है. जब तुम ट्रस्ट डोनेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि अपने को कौन कौन से डोनेशन. यहाँ पे आप लॉग इन करिए और लॉग इन करने के बाद आपसे डिटेल पूछा जाएगा और सारे डिटेल करने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको केवल तिरुपति मंदिर का ऐसे बताया. ऐसे ही शिरडी साई का भी हो सकता है या जितने भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं वहाँ पे आप ट्रस्टशिप में या फिर किसी भी रिलीजियस पर्पज पे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपका बोर्ड कर सकता है. और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बोर्ड का, यानी जब भी कोई कंपनी किसी रिलीजियस पर्पज के लिए चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, चैरिटी देगी, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सेक्शन 181 का. और ये कॉन्ट्रीब्यूशन करना भी बोर्ड का काम होता है. तो ये जो चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन कोई कंपनी करती है इसका पूरा प्रोविजन सेक्शन 181 में दिया गया है. कहा जाएगा कि सेक्शन 181 क्या क्या कहता है चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देखेंगे. सेक्शन 182 में कोई कंपनी चाहे तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकती है. मतलब जितने भी हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कोई कंपनी उनको भी डोनेशन दे सकती है. मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो ये आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट है. भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मेक अ डोनेशन नाम से पोर्टल खुला हुआ है. आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेक अ डोनेशन पे क्लिक करने के बाद आपसे डिटेल पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, नाम के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है. और यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा, आपसे बाकी डिटेल पूछा जाएगा और यहाँ पे आपका डोनेशन हो जाएगा. यानी कि जो कंपनी डोनेशन करेगी पॉलिटिकल पार्टी को वो सेक्शन नंबर 182 में करेगी और उसका प्रोविजन भी करने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है. सिमिलरली आम आदमी पार्टी की वेबसाइट अगर आप देखिएगा तो आम आदमी पार्टी में भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक सेपरेट आपको कहीं पे कॉलम दिख जाए पोर्टल. जस्ट वेट, ये सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है डोनेट का एक ऑप्शन. जैसे ही आप डोनेट पे क्लिक करोगे आपको एक नया पोर्टल खुलेगा. पोर्टल खुलने के बाद आपको फिर से वही बीजेपी की तरह यहाँ पे सारी पूछे जा रहे हैं कि कितने पैसे आप डोनेट करो, 5,000, 10,000, 25, 50, 75 या अदर. अदर में आप चाहो तो कितने भी पैसे डोनेट कर सकते हो, करोड़ों रुपए तक भी डोनेशन हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मैं आपको बोलूंगा कि अभी तक 7.5% का एक रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी का मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5% तक कर सकती है. लेकिन ये जो इलेक्शन आया था जनरल इलेक्शन, इसमें कंपनी लॉ को अमेंड किया गया और पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन से रिस्ट्रिक्शन को हटा दी गई. यानी राइट नाउ अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी कितने भी, इवन पूरी की पूरी कंपनी को डोनेशन में दे सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को. तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो आपका बोर्ड कर सकता है. लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सेक्शन नंबर 182 का कॉन्ट्रीब्यूशन है. हम देखेंगे सेक्शन 182 पॉलिटिकल के बारे में क्या कहता है. साहब, जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्ट्रीब्यूशन का पावर दिया गया है चैरिटेबल को लेकर, पॉलिटिकल को लेकर, तो ऑब्वियसली डिफेंस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है. और जब कोई कंपनी डिफेंस को कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहती है वो कॉन्ट्रीब्यूशन भी करने वाला होता है बोर्ड. और उसके प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन नंबर 183 में. मैं इसका एक अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप यहां पे वेबसाइट खोल सकते हैं इंडियन आर्मी का. इंडियन आर्मी की वेबसाइट खोलने पे आपको एक वेबसाइट पे लॉगिन करना है, दैट इज ऑफिशियल होम पेज ऑफ इंडियन आर्मी. और यहां पे आते हुए आपको कहीं पे पोर्टल दिखेगा, दैट पोर्टल्स मे बी, जस्ट अ वेट. ये आपको यहाँ पे जब वेबसाइट पे आप नीचे की तरफ आओगे सो आपको यहाँ पे एक दिखेगा मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्मी बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड. आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप ये यूपीआई वगैरह के थ्रू कैसे पेमेंट करोगे, वर्चुअल पेमेंट करोगे, आर्मी वेलफेयर वगैरह वगैरह. आप इस स्टेप को फॉलो करिए और आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर दीजिए. सो जो इंडियन आर्मी वगैरह का डिफेंस वगैरह की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा बेटा वो सेक्शन 183 में होगा. और ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी करने वाला होता है बोर्ड. तो ध्यान रखना, पावर ऑफ बोर्ड की जो हेडिंग है उसमें सेक्शन 179 कुछ जनरल पावर की बात करता है, सेक्शन 181, 182, 183 स्पेशल पावर की बात करता है, जिसमें 181 चैरिटेबल होगा, 182 पॉलिटिकल होगा, 183 डिफेंस होगा. और ये तीनों कॉन्ट्रीब्यूशन भी करने वाला होता है बोर्ड. लेकिन सेक्शन 180 बेसिकली पावर ऑफ बोर्ड को रिस्ट्रिक्ट करता है. मतलब सेक्शन 180 में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट्स को एक्सरसाइज करने वाला बोर्ड नहीं होगा, उस पॉइंट्स को एक्सरसाइज करने वाले होंगे मेंबर. फाइनली सेक्शन को शुरुआत करता हूं, सेक्शन 179 जो जनरल पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको शुरुआत करता हूं. सेक्शन 179 में टोटल 4 सबसेक्शन है. मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 179 में टोटल 4 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4.
सबसेक्शन 1 एक एक करके मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप मेरे साथ एक एक करके चलिएगा। सेक्शन 179 कहता है सबसेक्शन 1 कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक, ऑल एक्ट टू डू ऑल और पावर टू एक्सरसाइज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शैल बी डन और एक्सरसाइज बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान रखना, सेक्शन 179 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जब तक कुछ और बातें ना कही गई हो तब तक जितने भी कंपनी के कोई भी पावर्स को एक्सरसाइज करना हो या किसी भी काम को करना हो वो करने वाला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब क्या, इसका एक कंक्लूजन ये निकला कि 179 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब तक कंपनी के लॉ में या कंपनी के आर्टिकल में किसी भी काम को करने के लिए मेंबर्स को नहीं कहा गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक कंपनी लॉ में या कंपनी के किसी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए किसी मेंबर को ना कहा गया हो तब तक उस काम को करने वाला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कंपनी का सारा काम करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन अगर कहीं पे ये लिखा गया है कि इस काम को करने वाला मेंबर होगा तो ही उस काम को करने वाला मेंबर होगा। ध्यान रखना, अगर आपके सामने कोई जनरल सा क्वेश्चन पुट करता है कि किसी कंपनी में मोर पावरफुल डायरेक्टर होता है या मोर पावरफुल मेंबर होता है, तो ध्यान रखना मेरा लॉजिक है कि अगर सेक्शन 179 के सबसेक्शन 1 को देखा जाए तो मोर पावरफुल डायरेक्टर होता है। वो बात अलग है कि डायरेक्टर को रिमूव करने का पावर मेंबर्स को होता है, लेकिन जब तक डायरेक्टर को रिमूव ना कर दिया जाए तब तक किसी कंपनी में पावरफुल पोजीशन मेंबर्स का नहीं होकर डायरेक्टर का होता है। उसका लॉजिक सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। सबसेक्शन 2 सिंपल सा पॉइंट है, कहता है कि एनी एक्ट ऑलरेडी डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट इनवैलिडेट बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर। मतलब क्या, देखो सारा का सारा काम करने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। वो बात अलग है कि मेंबर्स चाहे तो रिजोल्यूशन पास करके किसी भी पर्टिकुलर काम को अपना कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कुछ और ना कहा गया हो तब तक डायरेक्टर करेगा, लेकिन अगर कुछ कहा गया है तो मेंबर करेगा। तो सबसेक्शन 2 बेसिकली इसी सबसेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मेंबर ने सपोज एक रिजोल्यूशन पास किया और कहा कि आज से सपोज एक्टिविटी नंबर एक्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोज शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन पास किया और उसमें रिजोल्यूशन पास किया कि एक्टिविटी नंबर एक्स को आज के बाद करने वाला मेंबर्स होंगे, तो ये रिजोल्यूशन पास हुआ सपोज 1 जनवरी 2020 को, तो 1 जनवरी 2020 के बाद वो काम करने के लिए मेंबर्स लाइबल है, लेकिन उसके पहले उस काम को जो एक्स काम था उस काम को अगर डायरेक्टर ने कर दिया था तो वो काम को हम इनवैलिडेट नहीं करेंगे, वो काम एज इट इज वैलिड रहेगा। मैं आपको लॉजिक बताऊं तो बेटा ये 179 का सबसेक्शन 2 होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सबसेक्शन 2 को सेक्शन नंबर 176 ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 176 कहता है कि जब भी कोई डायरेक्टर का पोजीशन जा रहा है या जब तक किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर पोजीशन को वेस्ट करता है तो जब तक वो उस पोजीशन से हट ना जाए या हटने के पहले उसने जितना भी काम किया वो काम वैलिड रहने वाला है। तो सबसेक्शन 2 बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन नंबर 176 के जैसा ही है, जो कहता है कि अगर कोई मेंबर रिजोल्यूशन को पास करके डायरेक्टर्स के किसी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर भी देता है तो वो करे नो डाउट, लेकिन डायरेक्टर ने अगर पहले में कोई काम कर दिया है तो ध्यान रखना उस पहले में किए हुए काम को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज वैलिड रहने वाला है। सबसेक्शन 3 आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो जनरल पावर है वो सबसेक्शन 3 में ही दिया गया है। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एक तरीके का थ्योरेटिकल पॉइंट है, लेकिन सबसेक्शन 3 शुरू करने से पहले मैं सबसेक्शन 4 को खत्म कर दूं। सबसेक्शन 4 कहता है जनरल मीटिंग में, मैं रिपीट करूं, जनरल मीटिंग में इम्पोज कंडीशन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। मतलब क्या, सबसेक्शन 4 बेसिकली अगर मेरे से पूछा जाए तो होने की कोई जरूरत थी ही नहीं, बिकॉज अगर सबसेक्शन 4 नहीं होता तो भी बात यह हमें पता थी। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि ध्यान रखना ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है ना इसको जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन पास करके रोक सकता है। अरे भाई सबसेक्शन 4 होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सबसेक्शन खुद ही कह रहा है 1 कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक काम को करने वाला बोर्ड होता है। इसका मतलब सीधा सा कंक्लूजन है कि अगर मेंबर चाहे तो रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर से किसी भी एक्टिविटी को ले सकते हैं। तो सबसेक्शन 4 बेसिकली इसी बात को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। सबसेक्शन 3 अगर देखा जाए तो सबसेक्शन 3 में देखो क्या लिखा है। अब ये जो जनरल पावर है ना 179 का, ये बेसिकली सबसेक्शन 3 में ही दी गई है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से देखना। कहा जा रहा है कि फॉलोइंग एक्ट, कौन से एक्ट सर, जो मैं नीचे में दे रहा हूं, फॉलोइंग एक्ट शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाई पासिंग ऑफ बीआर। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, 179 सबसेक्शन 3 में बात लिखी गई है कि फॉलोइंग एक्ट शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाई पासिंग ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। मतलब क्या कि जो नीचे में मैं काम बता रहा हूँ इस काम को करने वाला केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, कोई और नहीं होगा। आपके मन में सवाल आएगा सर एक बात बताओ, क्या जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन पास करके इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्या? तो आंसर इज नो,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर इज नो. जनरल मीटिंग जनरली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरल मीटिंग जनरली इस काम को रेजोल्यूशन के थ्रू रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती. हालांकि नो डाउट अगर यहाँ पे कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन हुआ डायरेक्टर का, या डायरेक्टर ने कंपनी के गुड फेथ में काम नहीं किया, या कंपनी के गुड अफेयर्स में काम नहीं किया, तो वहां पे सबसेक्शन 4 का सहारा लेके जनरल मीटिंग इस वर्क को डायरेक्टर से छीन सकती है. लेकिन जब तक कोई एक्स्ट्रा मिसफॉर्च्यून ना हो जाए तब तक ये नीचे में मैं 8 ट्रांजेक्शन ये रहा और 3 ट्रांजेक्शन ये रहा, ये टोटल जो 11 ट्रांजेक्शन है, इस 11 ट्रांजेक्शन को जब भी कंपनी में कैरी ऑन किया जाएगा तो करने वाला केवल बोर्ड होगा. ये बात कहता है 179. चलो सर, वो 11 ट्रांजेक्शन को आप एक एक करके मुझे बता दो. तो 11 ट्रांजेक्शन को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 11 ट्रांजेक्शन को मैं 2 पार्ट में बांटना हूं. 8 ट्रांजेक्शन को मैं एक तरफ कर रहा हूं, 3 ट्रांजेक्शन को मैं एक तरफ कर रहा हूं. सर, 3 ट्रांजेक्शन को क्यों आप अलग कर रहे हैं, उसका एक लॉजिक है. देखो, ये 8 ट्रांजेक्शन प्लस ये 3 ट्रांजेक्शन, नो डाउट ये पूरा का पूरा 11 ट्रांजेक्शन करने वाला बोर्ड होगा. लेकिन आउट ऑफ 11 ट्रांजेक्शन, ये 3 ट्रांजेक्शन को अगर बोर्ड चाहे, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस 3 ट्रांजेक्शन को अगर बोर्ड चाहे तो डेलीगेट कर सकता है. डेलीगेट कर सकता है मतलब क्या, ट्रांसफर कर सकता है. किसको ट्रांसफर कर सकता है सर, अपने इन्फेरियर अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी को. मतलब बोर्ड चाहे तो ये 3 ट्रांजेक्शन को कैरी ऑन भी कर सकता है और चाहे तो वो डेलीगेट भी कर सकता है किसी और को. लेकिन साहब, ये जो 8 ट्रांजेक्शन की लिस्ट दी गई है, ये ट्रांजेक्शन तो डेलीगेट भी नहीं हो सकती, जब करेगा तो केवल बोर्ड करेगा. यही कारण है कि इस 11 ट्रांजेक्शन को समझाने के लिए मैंने 2 पार्ट में बांटा है और मैंने लिखा है एक्ट विच इवन कैन नॉट बी डेलीगेटेड. मैं रिपीट करूं, एक्ट, ये जो एक्ट है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट भी नहीं कर सकता, 100% उसी को परफॉर्म करना होगा. लेकिन एक्ट विच में भी डेलीगेट, ये जो एक्ट है करेगा बोर्ड, लेकिन अगर चाहे कि मुझे नहीं करना तो चाहे तो डेलीगेट भी कर सकता है. सर, कौन कौन सा एक्ट डेलीगेट कर सकता है? बस अब यहीं पर टू पॉपर्ट वाला सवाल शुरू हो जाता है. 3 ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसको डेलीगेट किया जा सकता है. पहला, बोरो मनी. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई कंपनी को पैसे बोरो करना है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, तो वो बोरो करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है. हालांकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इस काम को डेलीगेट कर सकता है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को. दूसरा काम, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फंड ऑफ द कंपनी. कोई भी कंपनी अपने फंड से, जो भी उसके फंड से, उससे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कंपनी अपने फंड से अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो भी करने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इस एक्टिविटी को डेलीगेट कर सकता है. और तीसरा, ग्रांट मींस क्या, देना. क्या देना भाई? LIGS. LIGS का मतलब होता है लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी. मैं आपको इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा सेक्शन नंबर 186 में, आप लिख भी सकते हो, रेफर सेक्शन 186. सो लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी देना भी काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इस एक्टिविटी को क्या कर सकता है बेटा, डेलीगेट. अब आते हैं इस 8 ट्रांजेक्शन पे, जो ट्रांजेक्शन को हम डेलीगेट भी नहीं कर सकते, करेगा केवल बोर्ड. कौन कौन से ट्रांजेक्शन है सर? तो सबसे पहले, इशू एनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, ADR, GDR, कोई भी अगर काम करना चाहती है तो ध्यान रखना साहब, वो इशू करने वाला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये काम को डेलीगेट भी नहीं किया जा सकता. बायबैक, कंपनी जब सेक्शन 68 में बायबैक करेगी तो उस बायबैक को करने वाला भी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनी जब भी अपने अनपेड शेयर्स पे कॉल मंगाएगी तो उस कॉल्स को भी मंगाने वाला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल का काम करने वाला भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है. अपने बिजनेस को अगर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, यानी न्यू बिजनेस एरिया सेलेक्ट करना, न्यू मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सब काम डिसीजन लेने वाला भी होता है बोर्ड. साहब, कंपनी अगर मर्ज होना चाहती है, एमलगमेट होना चाहती है, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है, तो उसके इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना, एमलगमेशन करना, मर्जर करना, इसका भी डिसीजन करना किसका काम होता है, बोर्ड का. टेक ओवर या किसी कंपनी का कंट्रोल अगर एक्वायर करना, ये भी करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या अदर एज में प्रिस्क्राइब्ड. मैंने आपको हमेशा एक बात बोला है, जब भी अगर कंपनी लॉ में लिखा है प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड इन रूल. अब आपके मन में सवाल आएगा, सर कौन से रूल्स? तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था कि जब भी आपको सेक्शन नंबर 173 से लेकर सेक्शन नंबर 195 तक अगर आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत आए, तो रूल्स का मतलब बेटा होता है कंपनी मैनेजमेंट एंड मीटिंग ऑफ बोर्ड्स. मैं रिपीट करूं, कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल, सॉरी इसको करेक्ट करिएगा, कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014. तो 8वां ट्रांजेक्शन कहता है अदरवाइज में प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड का मतलब रूल नंबर 8. रूल नंबर 8 किसका साहब? तो कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल में 3 ट्रांजेक्शन दिए गए, जिस ट्रांजेक्शन 3 को करने वाला अगेन होता है कौन, बोले एक बार, उसे बोर्ड, और इसको भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता.
क्या क्या सर? तो अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ केएमपी, किसी भी सॉरी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ केएमपी, मतलब किसी कंपनी में केएमपी को, केएमपी मतलब बेटा इंक्लूडिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर अकाउंटेंट यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, सीईओ एक्सेट्रा, मैं आपको बताऊंगा सेक्शन नंबर 2 क्लास 51 में, आप वेट करिए यूनिट नंबर 3 का। लेकिन यहाँ पे मैं केवल ये बता रहा हूँ कि किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना, सीएफओ को अपॉइंट करना यानी केएमपी को अपॉइंट करना या उसको रिमूव करना, ये भी काम होता है बोर्ड का। इंटरनल ऑडिटर या सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी अपॉइंट करना होता है बोर्ड का काम, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी करना बोर्ड का काम होता है। कायदे से देखा जाए तो बेटा मैं बोलूंगा ये गलत ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ है, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को ऑलरेडी सेक्शन नंबर 182 में क्या था, डिफाइन कर दिया गया था। तो आप इस 8+3 11 ट्रांजेक्शन को रट लेना। सर ये 11 ट्रांजेक्शन को रटने का कोई आप हमें तरीका बता सकते हो क्या? तो देखो बेटा एक मैंने तरीका लिया है, ध्यान रखना इस तरीके को आप अदरवाइज मत लीजिएगा। कायदे से देखा जाए तो ये 11 ट्रांजेक्शन में बीआईजी, ये बिग, बीआईजी बिग मतलब क्या, बी फॉर बोरो मनी, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर ग्रांट, ये काम जो डेलीगेट होंगे और ये काम जो डेलीगेट नहीं होंगे, डेलीगेट नहीं होंगे मैं आई बी सी एफ डी एम सी और फिर कौन सा बोले एक बार उसे, यहाँ पे आएगा केएमपी, यहाँ पे आएगा ऑडिटर, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो ऊपर में ही कवर हो चुका है। सो इसका एक तरीका तुम लिख सकते हो कि बिग आईबीसी को एफडी करवाओ, वरना पॉलिटिकल एमसी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड एमसी है, अब तुम इसको फुल फॉर्म में बोलना, एमसी मीन्स एमसी, मैं रिपीट करूँ, बिग आईबीसी को एफडी करवाओ वरना पॉलिटिकल एमसी, इसको प्लीज बेटा अदरवाइज नहीं लेने का, ऑडिटर एंड केएमपी से परेशान करवाते रहेंगे। बिग आईबीसी को एफडी करवाओ वरना पॉलिटिकल एमसी, ऑडिटर एंड केएमपी से परेशान करवाते रहेंगे। सर व्हिच द बिग, बिग मींस बी फॉर बोरो, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गारंटी, ग्रांट करना, क्या ग्रांट करना, एलआईजी, आई आई मतलब क्या बेटा इन्वेस्टमेंट, बी मतलब क्या बायबैक, सी मतलब क्या कॉल, को एफडी करवाओ, एफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी मतलब क्या डाइवर्सिफिकेशन, करवाओ वरना पॉलिटिकल, पॉलिटिकल बेटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये वाला पॉलिटिकल कवर किया है, एमसी मतलब क्या, एम फॉर बेटा क्या मर्जर, सी फॉर क्या कंट्रोल, ऑडिटर मतलब ऑडिटर, केएमपी मतलब केएमपी से परेशान करवाएंगे। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो। यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 179 100% मेरी तरफ से खत्म होता है, आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, प्लीज आप इसको क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सेक्शन नंबर 180 आपका नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 180 रिस्ट्रिक्शन बोलता है, और ये रिस्ट्रिक्शन किसका है बेटा, पावर ऑफ बोर्ड, मतलब क्या कि जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मैं रिपीट करूं, ये जो नीचे में मैंने ट्रांजेक्शन दे रखे हैं चार ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को करने वाला कौन है बेटा, जनरल मीटिंग यानी मेंबर्स। देखो क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, मतलब नीचे सेक्शन 180 बेसिकली पावर ऑफ बोर्ड पे रिस्ट्रिक्शन डालता है। रिस्ट्रिक्शन डालता है मतलब क्या कि नीचे में जो ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को कैरी ऑन करने वाला मेंबर होता है, ऑब्वियसली मेंबर कहां करेगा, जनरल मीटिंग में करेगा, कैसे करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके करेगा। यही कारण है यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल बी कंडक्टेड ओनली बाई पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो केवल स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही हो सकते हैं? तो सबसे पहला है बेटा क्या, सेल और लीज, मैं रिपीट करूं, सेल और लीज और अदरवाइज डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटेंशियली ऑफ होल अंडरटेकिंग। कंपनी का किसी भी अंडरटेकिंग को तुम सेल कर रहे हो या लीज पे डाल रहे हो या अदरवाइज डिस्पोज कर रहे हो, मतलब सेल या लीज के अलावा कोई तरीका अपना के तुम इसको एलिनिएट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे पूरे के पूरे अंडरटेकिंग को या सब्सटेंशियली होल उसके कुछ पोर्शन को, तो ये काम करना जनरल मीटिंग का काम है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। अब अंडरटेकिंग का मतलब सारा अंडरटेकिंग नहीं, अंडरटेकिंग के लिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, कहा गया है कि अंडरटेकिंग केवल उसी अंडरटेकिंग को एसआर के थ्रू किया जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल उसी अंडरटेकिंग को एसआर के थ्रू किया जाएगा जिस अंडरटेकिंग के दो में से कोई भी एक ट्रांजेक्शन सेटिस्फाइड हो जाता है, मैं रिपीट करूँ, दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो उसी अंडरटेकिंग को जनरल मीटिंग के एसआर में किया जाएगा। अगर ये दो के दोनों ट्रांजेक्शन सेटिस्फाइड नहीं होते तो ये अंडरटेकिंग में फॉल नहीं होगा। अंडरटेकिंग में फॉल नहीं होगा मतलब क्या कि इस काम को करने वाला बोर्ड होगा, ना कि जनरल मीटिंग का एसआर पास चाहिए। सर कौन से दो कंडीशन है किसी अंडरटेकिंग का सेक्शन 180 में पार्टिसिपेट होने के लिए, यानी किसी भी अंडरटेकिंग का सेक्शन 180 में आने के लिए कौन से दो कंडीशन है? तो इन विच, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ, किसी भी कंपनी के नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी अंडरटेकिंग में हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का टोटल नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी अंडरटेकिंग में हुई है, और उस अंडरटेकिंग को अगर आप तुम चाहते हो सेल करना, लीज करना या अदरवाइज डिस्पोज करना, तो ध्यान रखना आप जनरल मीटिंग के एसआर में करोगे, या फिर विच जनरेट एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स टोटल रिवेन्यू, किसी भी कंपनी के टोटल रिवेन्यू का 20%, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के टोटल रिवेन्यू का 20%
कोई अंडरटेकिंग कमा के दे रही है उस कंपनी को, और उस अंडरटेकिंग को अगर कोई चाहता है सेल करना, लीज करना या अदरवाइज डिस्पोज करना, तो जनरल मीटिंग के एसआर के थ्रू किया जाएगा। मतलब क्या, अंडरटेकिंग छोटी मोटी नहीं, एक ऐसी अंडरटेकिंग जो किसी कंपनी के लिए हीरा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो किसी कंपनी के लिए हीरा है। जब तक हीरा नहीं होगा तब तक अंडरटेकिंग को बेचने के लिए एसआर या जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, दूसरे ट्रांजेक्शन क्या है जिसमें जनरल मीटिंग का एसआर चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट इन अदरवाइज ट्रस्टेड सिक्योरिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई कंपनी, और इसको पूरे कंसेप्ट को ऐसे पढ़ो, प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम एमलगामेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन अदरवाइज ट्रस्टेड सिक्योरिटी, इस कॉन्सेप्ट को प्लीज समझिएगा। देखो बेटा, जब कोई कंपनी एमलगामेट होती है तो न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को कंपनसेशन देती है, मींस एमलगामेशन कॉस्ट देती है। एमलगामेशन कॉस्ट जब दिया जाता है तो उस सिचुएशन में अगर शेयर्स के बदले शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन में शेयर्स एक्सचेंज रेशियो, तुम अकाउंट्स में ये कॉन्सेप्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे लॉ है इसलिए थ्योरेटिकल पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पॉइंट आप बेटर तरीके से समझोगे, मेरी बात को याद रखना। जब आपका अकाउंट्स का पेपर चलेगा और अकाउंट्स के पेपर में एमलगामेशन चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी शेयर्स एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को अपना शेयर्स देती है, लेकिन अगर कोई शेयर्स की कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आता है, जैसे 2.5, तो 2.5 शेयर्स तो दिया नहीं जाएगा, तो दो शेयर्स दिए जाते हैं और 0.5 के बदले में कैश दिया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0.5 के बदले में, यानी फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले में न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को कैश देती है, तो वो कैश, प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम एमलगामेशन, वो कैश को अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो करे इन्वेस्ट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अदरवाइज देन ट्रस्टेड सिक्योरिटी। मतलब एक ऐसे सिक्योरिटी में कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है एमलगामेशन में आए हुए पैसे को, जिसका कोई ट्रस्ट नहीं है, जो डिफॉल्टेड सिक्योरिटी है। तो ध्यान रखना, अगर आप डिफॉल्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो एमलगामेशन से लिए हुए पैसे को, तो उसके लिए कोई भी कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। आपके मन में दो तीन सवाल आएंगे, सर अगर कोई कंपनी एमलगामेशन में दिए हुए पैसे शेयर होल्डर्स को, यानी कोई शेयर होल्डर का मिला हुआ पैसा, अगर कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है ट्रस्टेड सिक्योरिटी में, तो ध्यान रखना साहब, ये बोर्ड करेगा। मैं रिपीट करूं, अगर ट्रस्टेड सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो बोर्ड करेगा, लेकिन अदरवाइज देन ट्रस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो वहां पर जनरल मीटिंग का एसआर पास होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमें कैसे पता कि कौन सी सिक्योरिटी ट्रस्टेड है, कौन सी सिक्योरिटी ट्रस्टेड नहीं है? तो बेटा, आपको इसके लिए कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का एक क्या रेटिंग, एक क्रेडिट रेटिंग नाम का चैप्टर कराया जाएगा। क्रेडिट रेटिंग से हमें पता चल जाता है कि कोई भी सिक्योरिटी ट्रस्टेड है या नहीं है। जैसे मैं आपको अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, सो ये आपका केयर, आपने सुना होगा हमारे इंडिया में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, केयर, इकरा, क्राइसिल, ऐसे करके। तो यहां पे तुम जाओगे तो केयर रेटिंग में यहां पे गेट रेटेड है, गेट रेटेड पे तुम आना और यहां पे आप मेथडोलॉजी पे क्लिक करना। जब तुम मेथडोलॉजी पे क्लिक करोगे नीचे आ जाना, नीचे आते आते ये सब बता रखा है कि रेटिंग का मतलब क्या होता है, कब कोई डिफॉल्ट सिक्योरिटी माना जाता है, कब कोई सिक्योरिटी को डिफॉल्ट नहीं माना जाता। यहां पे इशू रेटिंग होता है, इशू रेटिंग। जब इशू रेटिंग पे तुम क्लिक करोगे तो आपको एक चार्ट खुलेगा, बैकग्राउंड वगैरह। आप यहां पे आओगे तो आते 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 अपने को यहां पे आना है। देखो, इशू रेटिंग एंड रेटिंग सिंबल्स एंड डेफिनेशंस, यहाँ पे आपको बताया गया है कि केयर ट्रिपल ए, मतलब कि जो केयर रेटिंग करती है किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी का, तो वो ये ग्रेड प्रोवाइड करती है, वो ट्रिपल ए प्रोवाइड करती है आईएएस, वो डबल ए आईएएस प्रोवाइड करती है, वो केवल सिंगल ए आईएएस प्रोवाइड करती है, ट्रिपल बी आईएएस प्रोवाइड करती है, डबल बी आईएस प्रोवाइड करती है, बी आईएस प्रोवाइड करती है, सी आईएस प्रोवाइड करती है, और आपका डी आईएस प्रोवाइड करती है। मैं केवल ये एक कंपनी का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे आपका इकरा का भी वेबसाइट है, क्राइसिल का भी वेबसाइट है, एक्सेट्रा, मूडीज है, बहुत सारे हैं। अब तुम देखोगे ना ट्रिपल ए, तो ये हाईएस्ट सेफ्टी माना जाता है और ये नीचे की तरफ डाउनग्रेड होता आएगा। जैसे आप ट्रिपल ए देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी कह रहा है, तो अगर यहाँ पे पैसा लगाना है एमलगामेशन से लिए हुए पैसे को, तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम करने वाला कौन होगा, बोर्ड। यहाँ पे लिखा है हाई डिग्री, ऊपर था हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे है हाई डिग्री, यहाँ पे एडिक्वेट डिग्री, मतलब नीचे होता जा रहा है। जैसे जैसे रेटिंग सिंबल कम हो रहे हैं वैसे वैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे लिखा है मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे लिखा है मॉडरेट रिस्क, संभल जाओ, यहाँ पे लिखा है हाई रिस्क, यहाँ पे लिखा है वेरी हाई रिस्क, यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट, गोबर हो गया सब कुछ, ध्यान रखना साहब। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए तक,
यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट जोन, और डबल बी से लेकर डी तक इसे कहते हैं नॉन इन्वेस्टमेंट जोन। तो ध्यान रखना साहब, अगर आप नॉन इन्वेस्टमेंट जोन में पैसा, मतलब जहां से बेटा आपका रिस्क शुरू हो गया ना, रिस्क, दिस रिस्क इज कॉल्ड नॉन इन्वेस्टमेंट जोन। तो यहां से नीचे तक अगर आपको पैसा लगाना है इन चार में, डबल बी, बी, सी या डी में, तो आपको इसके लिए क्या करना जरूरी होगा, आपने जनरल मीटिंग का, मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत आएगी। तीसरा कौन सा काम है सर जिसमें जनरल मीटिंग के एसआर की जरूरत होती है? तो लॉ बहुत सिंपल है, लॉ कहता है कि मनी टू बी बोरोड प्लस मनी ऑलरेडी बोरोड एक्सीड्स पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज अप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई भी कंपनी अपने कुछ पैसे को बोरो करना चाहती है, लेकिन वो सिंपल बोरोइंग नहीं है, वो बोरोइंग जो कर रही है प्लस उसका बोरोइंग ऑलरेडी हो चुका है, दोनों को मिलाकर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मनी टू बी बोरोड प्लस मनी ऑलरेडी बोरोड, ये दोनों मिला के कंपनी के अगर पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा हो रहा है ना, तो उस बोरोइंग के लिए जनरल मीटिंग का एसआर चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा सर अगर उससे कम हो रहा है तो बेटा अगर कम हो रहा है ना तो ये सिंपल सा बोरोइंग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या, जनरल बोर्ड मीटिंग का बीआर पास होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर से पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा हो रहा है तो आपको जनरल मीटिंग का एसआर की जरूरत होगी। हालांकि इस बोरोइंग में आपको टेम्प्रोरी बोरोइंग को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, मतलब ये जो बोरोइंग आप कैलकुलेट करोगे पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कंपेयर करने के लिए, तो इस बोरोइंग में टेम्प्रोरी बोरोइंग को आपको करना है एक्सक्लूड। लास्ट है गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर। अगर कोई भी कंपनी से किसी डायरेक्टर ने लोन लिया था और उस लोन की रीपेमेंट का टाइम को एक्सीड करना है तो एक्सीड करने का काम जनरल मीटिंग का एसआर से होगा। ऑब्वियसली बेटा अगर इस पॉइंट को बोर्ड के हाथ में पावर दे दिया जाए तो कोई भी बंदा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर इस काम को करने का पावर बोर्ड को दे दिया जाए तो कोई भी बोर्ड ऑब्वियसली अपने डायरेक्टर को फेवर करके टाइम को एक्सीड कर देगा, जस्ट बिकॉज बायस डिसीजन ना हो, इसलिए इस काम को भी क्या कर दिया गया है, जनरल मीटिंग के एसआर के थ्रू करवाया गया है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है सेक्शन नंबर 180 के बाद आपका पावर ऑफ बोर्ड में लेकर जो अदर प्रोविजन था, अदर पावर्स ऑफ बोर्ड, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेक्शन नंबर 181 जिसमें पॉलिटिकल चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन की बात होती है, सेक्शन नंबर 182 जिसमें पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात होती है, और सेक्शन नंबर 183 जिसमें डिफेंस कंट्रीब्यूशन की बात होती है। सब कुछ मैंने आपको डायग्राम फॉर्म में दे दिया है, आपको केवल रीड कर लेना है। ध्यान रखना साहब, अगर कोई भी कंपनी अपने चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन को करना चाहती है तो अगर वो अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर, कंपनी अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन चैरिटेबल को लेकर करना चाहती है अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। सर 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज नेट प्रॉफिट को लो, यानी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट को लो, उसका एवरेज निकालो, और उस एवरेज का अगर 5% तक कंट्रीब्यूशन करना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन से ज्यादा देना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप कोई भी बोर्ड चाहता है यानी कंपनी चाहती है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना तो लिमिट लगाया गया है, इस लिमिट तक करो तो बीआर, इस लिमिट के ज्यादा करो तो एसआर, लिमिट तक करो तो बोर्ड करेगा, लिमिट से ज्यादा करोगे तो मेंबर करेगा। सेक्शन 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को बांट दो पार्ट में। कुछ कंपनी को बेटा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन किया गया है, मैं रिपीट करूं, कुछ कंपनी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने से एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी या एनी कंपनी हुज एज इज लेस देन 3 इयर्स। एज इज लेस देन 3 इयर्स मतलब एक ऐसे कंपनी जिसको अभी इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो कुछ कंपनी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने से बिल्कुल ही मना ही है। सबसे पहला गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। दूसरा, कोई भी ऐसी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी जिसको अभी इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल नहीं हुए। या तीसरा, प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी को भी बेटा क्या करना है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने से एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। अब यहाँ पे कायदे की बात सुनो, बहुत सारे टीचर इस प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट को नहीं बताते, रीजन बिन की सेक्शन 182 जब देखोगे तो वहां पे केवल यही 2 कंपनी लिखी गई है प्रोहिबिटेड। लेकिन मेरा मानना है कि बेटा जब तक कंपनी लॉ को एनालाइज ना करो तब तक मजा नहीं आता। जब तुम प्रोड्यूसर कंपनी के सेक्शन नंबर 465, इन अदर वर्ड्स कंपनी एक्ट है 465, लेकिन 465 में लिखा है कि आप प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 581 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 में चले जाइए, तो सेक्शन 465 रेड विद सेक्शन नंबर 581 जब आप रीड करोगे तो वहां पे कहा गया है कि सर प्रोड्यूसर कंपनी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करना, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो पहली बात, पॉलिटिकल ये सर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन में ऐसी कोई भी मना ही नहीं थी, केवल लिमिट था, लिमिट तक करोगे बोर्ड करेगा, लिमिट से ज्यादा करोगे मेंबर करेगा। लेकिन यहाँ पे मना ही है, ये कंपनी कर ही नहीं सकती। कौन से कंपनी नहीं कर सकती? गवर्नमेंट, या फिर आपको एक ऐसी कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ, या फिर प्रोड्यूसर कंपनी।
इन कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी कर सकती है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, और करने के लिए आपको चाहिए बोर्ड रिजोल्यूशन। मैं रिपीट करूं, करने के लिए चाहिए बोर्ड रिजोल्यूशन, और साफ साफ लिखा है दूसरे पॉइंट में नो लिमिट। बेटा ध्यान रखना, पहले ये लिमिट था 7.5% का, लेकिन अब ये लिमिट नहीं है। चोरों ने चुनाव आते टाइम इसको अमेंड किया था, बीजेपी ने खास करके इसको अमेंड किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज से क्या करने के लिए बेटा, डोनेशन लेने के लिए। और तीसरा है कि जो भी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करेगी वो अपने बोर्ड रिपोर्ट प्लस पीएल अकाउंट में यानी इसको क्या करेगी, मेंशन करेगी। तो ऑब्वियसली मेंशन करना जरूरी है। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये कंट्रीब्यूशन होगा ओनली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कंट्रीब्यूशन ओनली बाय अकाउंट पे ही होगा, डीडी होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा। मतलब बेटा क्या, कैश खोखा अपने को नहीं देना। और 183 बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिफेंस कंट्रीब्यूशन कोई भी कंपनी कितने भी कर सकती है। मैं डायरेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी कितने भी कर सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफेंस कंट्रीब्यूशन कोई भी कंपनी कर सकती है और कितने भी कर सकती है, क्योंकि देश भलाई का है और ये देश के सुरक्षा और सिक्योरिटी में पैसा जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 183 भी फाइनली क्या हो जाता है बेटा, खत्म। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पावर ऑफ बोर्ड रिलेटेड जो है वो खत्म होता है। अब आपका जो पार्ट नंबर 3 होगा यानी बीओडी यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं आपके साथ शुरू करूंगा बेटा फाइनली क्या बोलो, सेक्शन नंबर 184। अभी तक के सारे सेक्शन मैं आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। सेक्शन 184 के पहले सेक्शन नंबर 173 खत्म हो गया था, जो जनरल मीटिंग की बात करता है, सॉरी बोर्ड मीटिंग की बात करता है। 174 फोरम की बात करता है। 175 रिजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन की बात करता है। 176 अपने को प्रायर एक्ट को वैलिड करवा रहा था, डायरेक्टर ने जितने भी काम प्रायर पहले किए हुए हैं उसके बाद उनकी रिमूवल हो गई या उनका ऑफिस वैकेट हुआ तो उसके पहले किए हुए काम को वैलिड रखना है, ये बात 176 कहता है। 177, 178 अपने मैंने नहीं करवाया आपको, क्योंकि ये ऑडिट कमेटी के बारे में बात करता है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी के बारे में बात करता है, मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको कराऊंगा, यूनिट के लास्ट में। सेक्शन 179 पावर ऑफ बोर्ड की बात करता है। सेक्शन 180 उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। सेक्शन 181 जो कहता है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। सेक्शन नंबर 183 जो आपका था वो था डिफेंस कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 184 हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्क्लोजर बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यानी सेक्शन 184 में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में। लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि बेटा ये जो डिफेंस कंट्रीब्यूशन है ना, इसको और ज्यादा बढ़ावा करने की जरूरत है। मेरी बात मानो, मेरा एक इनिशिएटिव है, मेरा हमेशा एक सजेशन होता है कि इसको हमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर देना चाहिए। मैं रिपीट करूं, डिफेंस कंट्रीब्यूशन को वॉलंटरी नहीं रखना चाहिए। जब तुम सेक्शन 183 देखोगे तो वहां पे लिखा गया है कंपनी में, बट मुझे लगता है कि इसको कर देना चाहिए शैल। उसका एक रीजन है, रीजन ये है बेटा कि अगर मैं देखूं आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड तो डिफेंस कंट्रीब्यूशन में सबसे टॉप पोजीशन पे नाटो आता है। आपको मैंने सवाल आएगा सर नाटो क्या है, तो नाटो बेसिकली 30 कंट्रीज के मेंबर्स का एक एसोसिएशन है, नॉर्थ अमेरिका यूरोप वगैरह इसमें आते हैं। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो नाटो में आपका आता है ये अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, कनाडा, क्रोटिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली वगैरह वगैरह, नीदरलैंड वगैरह, नॉर्वे, पोलैंड वगैरह, इस कंपनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये कंपनी इसमें आती है नाटो में। तो सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन देखा जाए ना अगर, तो ये आपका नाटो का आता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये नाटो में ही कवर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का डिफेंस कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये अपने जीडीपी के कितने रेशियो इसमें कन्वर्ट करते हैं प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर पे आता है चाइना, 3 नंबर पे आता है सऊदी अरबिया, और 4 नंबर पे हमारा रैंक है, यानी होल ओवर द वर्ल्ड में जो डिफेंस का एलोकेशन करते हैं हम फंड का, ये होल ओवर द वर्ल्ड में 4th नंबर पे है। अच्छा ध्यान रखना, ये जो लिस्ट है बेटा ये लिस्ट है 2019 का, लेकिन जब 2020 को तुम देखोगे तो नलायकों ने यानी हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसने फंड को क्या किया कि यहां से 4 नंबर से खिसका के 5 नंबर कर दिया। यानी 2020 की अगर रैंकिंग की बात करूं तो 1 नंबर पे अमेरिका बना हुआ है, 2 नंबर पे चाइना बना हुआ है, 3 नंबर पे सऊदी अरबिया, जो यहां पे 3 था वो यहां भी 3 बना हुआ है। लेकिन यहां पे 4 में 5 में था आपका, यहां पे 4 में था इंडिया जो यहां पे आ गया है 5 में, और रसिया यहां पे आ गया है 4 में। मैं रिपीट करूं, रसिया यहां पे 4 में, यानी बहुत ही पहले रसिया अगर तुम कायदेस देखो तो यहां पे था रसिया, ये आपका 6 नंबर पे था, इसने लंबी जंप मारी और 6 से 4 पे आया, और इंडिया अपना आ गया है 5 पे। सो अगर मेरा देखा जाए कायदे से तो यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट करनी चाहिए थी, और तो वो हुआ भी है, हल्का सा कोशिश की गई है। डिफेंस बजट इस बार का हाइक कर दिया गया 6% से, और 3.37 लाख करोड़ की डिफेंस कंट्रीब्यूशन हुई है। तो मेरी बात मानो तो इसको मैंडेटरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी। मैं अगर यूएस की बताऊं आपको डिफेंस सिक्योरिटी, तो उसका वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, welcometodefense.gov, आपका यूएस डिफेंस का है।
और कोरोना वायरस हर जगह चल रहा है, उन्होंने बेटा सेफ्टी का रखा है, हर जगह कोरोना वायरस। सो आपको मैं अभी दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे, नहीं तो इनकी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, यूएस डिफेंस। सो ये आपका ऑफिशियल आर्मी का पेज है यूएस का, और यहाँ पे आप इसके वेबसाइट से सारा डिटेल ले सकते हो कि यूएस आर्मी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसे काम करती है, सोल्डियर वगैरह के बारे में, आर्मी ए टू जेड। सर लीडर्स कौन है? सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ ऑफ स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे हमारे में कर्नल ब्रिगेडियर होते हैं उस तरीके से। सेक्रेटेरियल को दिखाना चाहूँ तो सेक्रेटरी पे क्लिक करो, आपको ये निकल के आ जाएगा, ये हरामी, ये यूएस आर्मी का डिफेंस का है सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी, मेन जो है वो यही है। सो ये सब अपना यहाँ पे इन्होंने अपने आर्मी डिफेंस वगैरह को बहुत ही बेहतरीन बना रखा है। सो हमारा भी ऐसा कुछ होना चाहिए, बट एनीवे अभी तक फिलहाल जो डिफेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। सो ये हमारा विदा लेने का टाइम है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका, लेक्चर नंबर 3 में, यानी पार्ट नंबर 3 में यूनिट नंबर 2 का। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सो डैट इज ऑल आउट फॉर टुडे, थैंक यू।